हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली एंड सर्किट्स जो सर्किट्स है उनको हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे लेकिन बाद में लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पजेस टू मेक अवर टास्क इजियर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का उपयोग लेते हैं फॉर मैनी पर्पजेज़ बहुत सारे उद्देश्यों के लिए टू मेक अवर टास्क इजियर ताकि जो हमारे जो टास्क हैं वो क्या हो सकें आसान हो सके फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग में लेने का टू ऑपरेट पम्प्स कि हम क्या कर सकें पंप को ऑपरेट कर सकें दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स जिनसे जो पानी है वो हम कुएं से निकालते हैं एंड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक और ग्राउंड uh, लेवल यानि कि जो आपकी जो ज़मीन है उसके इस तर से आप क्या करते हैं पानी को निकालते हैं टू द रूफ टॉप टैंक और उसको आप कहाँ तक खींचते हैं जो आपका जो टैंक है वहाँ तक आ, उसकी जो छत होती है वहाँ तक आप उसको खींचते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Uh, what are other purposes for which you use electricity? अब ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ है स्टूडेंट्स की ए, और क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी जिनके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का उपयोग करते हैं तो uh, इसका सिंपल आंसर है स्टूडेंट्स की पीपल यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग हीटिंग कूलिंग एंड रेफ्रिज्रेशन एंड फॉर ऑपरेटिंग अप्लाइंसिस जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग लाइटिंग के लिए करते हैं हीटिंग यानी कि जब उन्हें कोई भी चीज़ गर्म करनी है उसके लिए करते हैं कूलिंग कोई भी चीज़ ठंडा थंड़, ठंडी करनी है या रेफ्रिज्रेशन या आ, कोई भी चीज़ है अगर आपका जैसे फ्रीज है तो वो वो किससे रन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहा है एंड फॉर ऑपरेटिंग अप्लायसेस और कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है अगर आपको उसे ऑपरेट करना है उसको चलाना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी फ़ॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स मशीनरी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कंप्यूटर्स को चलाने के लिए मशीनरी को चलाने के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है तो दीज ऑल आर द अदर परपजेज़ फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी लिस्ट सम ऑफ़ देम इन योर नोटबुक आप इनको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग क्या जो लिस्ट है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग को शामिल किया है फॉर लाइटनिंग क्या आ, आपकी जो लिस्ट है स्टूडेंट्स उसके अंदर आ, जो इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी का जो उपयोग है जो आप लाइटिंग के लिए करते हैं क्या वो भी आपने शामिल किया है अपनी लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये मुमकिन कर देती है कि हम अपने घरों को क्या कर सकें रोशन कर सकें रोड्स सड़कों को रोशन कर सकें ऑफिस को ऑफिसिस के अंदर जो रोशनी आती है वो सभी किससे आती है इलेक्ट्रिसिटी से आती है मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज़ मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज़ में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से लाइट क्या होती है पॉसिबल होती है इवन आफ्टर सनसेट और जब जबकि आपका जो सूरज है वो छिप चुका होता है लेकिन जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये आ, इन सभी प्लेसेस को लाइट करने में क्या करती है मदद करती है दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट और ये इस चीज़ में भी मदद करती है स्टूडेंट्स कि हम देर रात तक क्या कर सकें काम कर सकें ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी जो पावर स्टेशन है वो भी हमें क्या देता है इलेक्ट्रिसिटी देता है हाउेवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फॉर फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस हालांकि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की जो आपूर्ति है वो क्या हो सकती है फ़ेल हो सकती है और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस और कुछ जगहों पर यह नहीं होती इन सच सिचुएशन तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं ए टॉर्च इज़ समाइम्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट तो जो टॉर्च है उसका हम उपयोग करते हैं लाइट के लिए मतलब अगर हमें लाइट लाइट की अगर हमें ज़रूरत है तो हम किसका उपयोग करते हैं टॉर्च का उपयोग करते हैं इन सच सिचुएशंस जब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है फेल हो जाती है ए टॉर्च हैज अ बल्ब जो टॉर्च है उसके पास क्या होता है एक बल्ब होता है दैट लाइट्स अप जो जल जाता है व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन जब आप उसको खोल देते हैं वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अब ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है कि जो टॉर्च है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेती है ट्वेल्व पॉइंट वन इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल में अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल जो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि अभी हमने क्वेश्चन एक अराइज़ हुआ था कि जो टॉर्च है वो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेती है तो जो टॉर्च है वो इलेक्ट्रिसिटी लेती है इलेक्ट्रिक सेल से यानी कि जो बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है इन द टॉर्च टॉर्च के अंदर दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल उसे कौन देता है इलेक्ट्रिक सेल देता है इलेक्ट्रिक सेल आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स जो इलेक्ट्रिक सेल हैं उसका उपयोग हम अलार्म क्लॉक्स में करते हैं रिस्ट वॉचेस में करते हैं ट्रांजिस्टर रेडियोज में करते हैं कैमराज में करते हैं एंड मैनी अदर डिवाइसिस और अन्य यंत्र जो होते हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग करते हैं हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल क्या आपने आ, कभी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सेल को बहुत सावधानी से देखा है यू माइट हैज स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड तो आपने ये चीज़ देखी होगी स्टूडेंट्स की ए, उसके साथ में एक बहुत छोटा सा मेटल कैप होता है एक साइड में एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड और मेटल डिस्क उसके दूसरे साइड में होती है जैसा कि फिगर ट्वेल्व पॉइंट वन में दिखाया है देखिए स्टूडेंट्स ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक सेल है तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो आपकी एक साइड है उस पर क्या है मेटल कैप है और जो दूसरी साइड है उसमें क्या है मेटल डिस्क है डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल क्या आपने जो इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन जो मार्क किए हुए हैं उनको देखा द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल तो जो मेटल कैप है वो क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल इन द इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका क्या है मेटल कैप है द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल और जो मेटल डिस्क है वो क्या है नेगेटिव टर्मिनल है ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं इनके पास दो टर्मिनल होते हैं ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल एक होता है नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इन इट जो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या देता है बिजली देता है फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इन इट और इसको बिजली कहाँ से मिलती है उसको बिजली मिलती है जो रसायन इसके अंदर स्टोर होते हैं यानि कि इकट्ठे हुए रहते हैं उससे जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वैन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज अप और जब ये जो रसायन होते हैं ये किसी भी इलेक्ट्रिक सेल के अंदर उपयोग में ले लिए जाते हैं द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स तब आपका जो इलेक्ट्रिक सेल है वो रुक जाता है और रुकने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली देना बंद कर देता है द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू वन तो जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको आप क्या कर देते हो रिप्लेस कर देते हो विद अ न्यू वन किसी नए वाले से आप उसको क्या कर देते हो रिप्लेस कर देते हो अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ अ ग्लास दैट इज फिक्सड ऑन अ मेटेलिक बेस जो आपका टॉर्च बल्ब है और जो उसका आउटर केस है जो उसका भारी केस है जो कि किसका बना हुआ है ग्लास का बना हुआ है दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस और ये किसके ऊपर रुका हुआ होता है मेटेलिक बेस के ऊपर रुका हुआ होता है मेटेलिक बेस क्या होता है स्टूडेंट्स ज बेस ऑफ द मेटल इज मेड अप ऑफ कॉपर जिंक एंड ब्रास जो इलेक्ट्रिक uh, बल्ब है यानी कि जो टॉर्च का जो बल्ब है उसका जो बेस होता है वो काफी सारे मेटल्स से मिलकर के बना हुआ होता है और उन मेटल्स के क्या क्या नेम्स हैं कॉपर जिंक एंड ब्रास तो वो आपको फिगर ट्वेल्व पॉइंट टू ए में दिखाया गया है अभी हम उसको देखेंगे पहले एक क्वेश्चन और एराइज होता है यहां पर स्टूडेंट्स वो क्या है व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब कि जो ग्लास केस है बल्ब का उसके अंदर क्या है तो इसका भी एक सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आपका ग्लास केस है उसके अंदर द फिलामेंट सिट्स इन द मिडल ऑफ द बल्ब जो फिलामेंट है वो आप बल्ब के अंदर बीच में बैठा हुआ है held up by अ ग्लास माउंट और ये जो ग्लास माउंट है उस पे जिस जिस पे आपका ग्लास माउंट हो रहा है उससे जुड़ा हुआ होता है द वायर्स एंड फिलामेंट्स हाउस्ड इन अ ग्लास बल्ब जो वायर्स हैं और जो फिलामेंट हैं वो कहाँ पर आ, रहते हैं ग्लास बल्ब के अंदर विच इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस इनर्ट गैस आर्गन है ना आर्गन उसके अंदर होता है वेन अ बल्ब इज़ हुक्ड अप टू अ पावर सप्लाई और जब भी आप बल्ब को पावर सप्लाई से जोड़ते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो उसके अंदर क्या फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है फ्रॉम वन कॉन्टैक्ट टू द अदर एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट की तरफ जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है थ्रू द वायर्स वायर्स की मदद से एंड द फिलामेंट और फिलामेंट से तो ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का कि जो ग्लास केस है उसके अंदर जो बल्ब का ग्लास केस है उसके अंदर क्या होता है अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी वन टेक अ टॉर्च एंड लुक इन साइड इट्स बल्ब एक टॉर्च ले लीजिए स्टूडेंट्स और उसके बल्ब के अंदर देखिए यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब आप बल्ब को बाहर भी निकाल सकते हैं तो एक बार हम आ, बल्ब को देख लेते हैं जो टॉर्च बल्ब है जो इस फिगर ट्वेल्व पॉइंट टू में दिखाया गया है जो फिगर ए है वो किसकी किस है टॉर्च के बल्ब की है और जो फिगर बी है वो उसका क्या है इनसाइड व्यू है तो इनसाइड व्यू के अंदर जो आपका बल्ब है उसमें एक तो फिलामेंट पाया जाता है और एक क्या होते हैं उस फिलामेंट से जुड़े हुए उसके टर्मिनल्स होते हैं यानी कि जो आपका टॉर्च का बल्ब है उसमें भी एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है तो जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सेल में देर आर टू टर्मिनल्स ऐसे ही आपके बल्ब के अंदर भी टू टर्मिनल्स होते हैं यू कैन टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर आप बल्ब को निकाल भी सकते हैं किसी भी अपने शिक्षक की मदद से वॉट डू यू नोटिस तो आपने क्या नोटिस किया डू यू फाइंड अक्सड इन दिडल ऑफ द ग्लास आपने ये खोजा कि जो वायर है जो पतला है, वो ग्लास बल्ब के पर है? बिल्कुल मध्य में है मध्य में लगा हुआ है क्या आपने इस चीज को देखा एक तो क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है दूसरा नाउ स्विच द टॉर्च ऑन अब आप क्या करिए जो टॉर्च है उसको ऑन कर दीजिए एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग और ये देखिए कि जो कौनसा वाला जो पार्ट है बल्ब का वो ग्लो करता है यानी कि चमकता है द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब तो जो पतला सा जो वायर है जो क्या दे रहा है लाइट दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिक वायर्स और ये जो फिलामेंट है ये किससे जुड़ा हुआ होता है दो मोटे मोटे वायर्स होते हैं यानी कि बहुत आ, मोटे मोटे तार होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट और जो कि इस फिलामेंट को क्या देते हैं सहयोग देते हैं एज शोन इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट टू जैसा कि आपको फिगर ट्वेल्व पॉइंट टू बी में दिखाया है वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब और इनमें से जो एक मोटा तार है वो किस से जुड़ा हुआ होता है मेटल केस से जुड़ा हुआ होता है और जो आपका मेटल है वो किसका हो सकता है कॉपर का भी हो सकता है ब्रास का भी हो सकता है और जिंक का भी हो सकता है तो उससे जुड़ा हुआ होता है एट द बेस ऑफ द बल्ब जो आपके बल्ब का बेस है उससे जुड़ा हुआ होता है थिक वायर इज़ कनेक्टेड टू द मेटल टिप द सेंटर ऑफ द बेस और जो दूसरा वाला वायर है जो दूसरा वाला जो मोटा वाला तार है वो किससे जुड़ा हुआ होता है जो मेटल टिप है यानि कि एक ऐसी टिप जो कि किसी धातु की बनी हुई होती है द सेंटर ऑफ द बेस जो कि उस बेस का क्या है मध्य है उससे जुड़ा हुआ होता है द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब तो एक तो जो बेस है बल्ब का जो बेस है और जो मेटल टिप है किसकी बेस की उनके पास में आ, क्या होते हैं टू टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के सो इट कंटेन्स टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स की जो इनसाइड व्यू है उसमें आप ये देख रहे हैं कि यहां से एक थिक वायर है जो कि आपका जो मेटल बेस है उससे जुड़ा हुआ है और जो दूसरा वाला थिक वायर है वो किससे जुड़ा हुआ है मेटल टिप से जुड़ा हुआ है और वो जो आ, बेस है ये जो बेस है बल्ब का जो बेस है उसके सेंटर में जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से जो टर्मिनल्स होते हैं टॉर्च के बल्ब में वो जुड़े हुए होते हैं दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्सड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर और ये जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि ये एक दूसरे को टच ना करें द इलेक्ट्रिक बल्बस यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन और जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं जो कि हम घरों में उपयोग करते हैं वो सभी इसी डिज़ाइन के बने हुए होते हैं दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच तो इस तरीके से हमें स्टूडेंट्स ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक सेल है और जो बल्ब है उन दोनों के अंदर दो टर्मिनल होते हैं वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स तो ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक सेल में और इलेक्ट्रिक बल्ब में दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं तो so, इसका सिंपल आंसर ये मैंने लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब हैज टू टर्मिनल्स बिकॉज इसमें एक जो टर्मिनल होता है वो कौन सा होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक कौन सा टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है बिकॉज जो आपका करंट है वो एक साइड में पास नहीं होता है इट कैन ट्रैवल थ्रू टू अपोजिट साइड्स तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो आपका जो करंट है वो अपोजिट साइड में ट्रैवल करता है हमेशा इसीलिए इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर दो टर्मिनल होते हैं अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ट्वेल्व पॉइंट टू ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल कि जो बल्ब है वो किससे जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक सेल से जुड़ा हुआ है अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल अब आप हम ये कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो क्या करे रोशनी दे और uh, किस की मदद से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल की मदद से हाउ डू वी डू दैट अब हम इसको कैसे करेंगे एक्टिविटी टू टेक फोर लेंथस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स तो uh, आप क्या कर लीजिए चार लेंथ ले लीजिए इलेक्ट्रिक वायर की विथ डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स और ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स जो आपने लिए हैं इनके जो कवरिंग्स हैं वो प्लास्टिक की हैं और अलग अलग कलर की हैं रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड अब क्या करिए कि आ, हटा जो बहुत छोटा सा जो प्लास्टिक कवरिंग है उसको आप हटा दीजिए फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर जो हर एक लेंथ है जो हर एक लंबाई है आपके तारों की उससे एट द एंड्स जो उसके सिरे हैं वहाँ से आपको क्या करना है उस प्लास्टिक कवरिंग को थोड़ा सा हटाना है दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स और जब आप उन्हें हटाएंगे तो आप क्या करेंगे मेटल वायर्स को एक्सपोज कर देंगे यानी कि उनको बेनकाब कर देंगे एट द एंड ऑफ ईच लेंथ जो कि हर एक लेंथ के सिरे पर दिए हैं फिक्स द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ टू वायर्स टू द सेल और जो एक्सपोर्ड एक्सपोज पार्ट्स हैं यानी कि जो आपने बेनकाब किया है जिन पार्ट्स को ऑफ द टू वायर्स टू द सेल दोनों वायर्स को आपने बेनकाब किया है जो कि सेल के हैं एंड अदर टू ऑफ द बल्ब ए शोन इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट टू थ्री ट्वेल्व पॉइंट थ्री एंड फिगर ट्वेल्व पॉइंट फोर तो जिन, जिन को भी आपने एक्सपोज किया है चाहे आपने सेल के इलेक्ट्रिक सेल के वायर्स दोनों वायर्स को एक्सपोज किया हो चाहे आपने बल्ब के जो दोनों वायर हैं उनको एक्सपोज किया है उनको बेनकाब किया है तो उन सभी को 12.3 फिगर में और 12.4 फिगर में दिखाया गया है ट्वेल्व पॉइंट थ्री फिगर देखिए पहले स्टूडेंट्स ट्वेल्व पॉइंट थ्री फिगर में आपको क्या दिखाया है इलेक्ट्रिक सेल विद टू वायर्स अटैच्ड टू इट इलेक्ट्रिक सेल आपको दिखाया गया है और उसके अंदर दो वायर जुड़ी हुई हैं और दोनों वायर का आप क्या देख सकते हैं जो एंड है वो देख सकते हैं दोनों एंड से आपने थोड़ी थोड़ी जो प्लास्टिक कवरिंग है उनको एक्सपोज किया है उनको बेनकाब किया है तभी आपको उसके अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं एंड्स पे मेटल वायर्स नजर आ रहे हैं दूसरा जो आपकी फिगर ट्वेल्व पॉइंट फोर है कि इसके अंदर क्या है जो बल्ब है वो दोनों वायर से कैसे कनेक्ट हुआ हुआ है वो आप देख लीजिए कि बल्ब का जो एक टर्मिनल है वो किसी एक वायर से जुड़ा हुआ है ऐसे ही जो दूसरा टर्मिनल है वो दूसरे किसी दूसरे कलर के वायर से जुड़ा हुआ है और दोनों के आप सिरे देख लीजिए दोनों वायर्स के तो वो आपने क्या करा है उन्हें बहुत थोड़ा थोड़ा सा आपने एक्सपोज किया है प्लास्टिक प्लास्टिक कवरिंग्स को इनके एंड्स से तो आपको क्या दिखाई दे गए एंड्स पे मेटल वायर्स नजर आ गए और अब लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको क्या बताऊंगा फिलामेंट के बारे में बताऊंगा कि फिलामेंट क्या होता है फिलामेंट इज अ थिन वायर इन अ लाइट बल्ब जो आपका लाइट बल्ब होता है उसके अंदर बहुत पतला वायर होता है उसको हम फिलामेंट बोल देते हैं एंड इट इज ऑल्सो द ग्लास पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प जो आपका ग्लास पार्ट होता है इलेक्ट्रिक लैंप में उसको बोलते हैं हम फिलामेंट दैट प्रोड्यूसेस लाइट जो कि आपको रोशनी देता है वेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट जब उसके अंदर बिजली दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा Please like, share and subscribe my video. Thank you.